लोकसभा चुनाव की हलचल के साथ ही शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए भी पुलिस अब तैयार है। भरतपुर के हलैना में पुलिस ने जयपुर हाईवे 21 पर नाकाबंदी के दौरान 49 कार्टून अवैध शराब से भरी कार को जब्त किया, तो वहीं शराब तस्करों के मामले में गाड़ी चालक सहित दो को गिरफ्तार भी किया है और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। शाम 7-8 बजे करीब सूचना मिली कि एक डस्टर फोर व्हीलर गाड़ी में महुआ की तरफ से अवैध शराब आ रही है। इस सूचना पर हलैना थाना पुलिस और खेड़ली मोड़ चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आमोली टोल प्लाजा पर उक्त डस्टर गाड़ी को रोक कर चेक किया तो उसमें 49 देशी शराब अवैध शराब की पेटियाँ कार्टून रखे मिले, जिन्हें लाइसेंस के अभाव में जब्त किया तथा आरोपी दिनेश व नरेंद्र को मौके पर गिरफ्तार किया है। डस्टर गाड़ी को भी जब्त किया। आपको बता दें कि चालक सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब शराब तस्करों की धरपकड़ भी लगातार जारी है। पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई इसमें सामने आई है, जहां पे अवैध शराब से भरा एक ट्रक जब्त कर लिया है और चालक सहित दो लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आगे की कार्रवाई भी पुलिस ने शुरू कर दी है। अवैध शराब से भरी कार जब्त कर ली गई है और इसमें चालक सहित दो लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लगातार पुलिस की पूछताछ जारी है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए A1 संवाददाता विष्णु मित्तल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी विष्णु, बताएं क्या कुछ है पूरा मामला। यानी कुछ लोग यानी कि एक कार से अवैध शराब लेकर आ रहे थे महुआ की तरफ से भरतपुर की ओर, तो एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक कार में अवैध शराब जारी है। तो खेली मोड़ पुलिस चौकी हलैना पुलिस चौक हलैना थाना ने हाईवे पर नाकेबंदी की, तो उन बदमाश जो अवैध शराब से जुड़े हुए लोगों ने पहले पुलिस को कुचलने का प्रयास किया, तो जैसे वहां से गाड़ी को भगा लाए, दो नाकेबंदी उनको तोड़ने के बाद तीसरे नाकेबंदी पर वो पकड़े गए और उनसे यानी 49 पेटी अवैध देसी शराब की बरामद की है। ये लोग पहले भी अवैध शराब का काम करते हैं। विष्णु ये बताएं कि उनको वेयर ACM कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा, ये पता पाड़ेंगे ये शराब कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी और कौन इसके पीछे, इसका कोई बड़ी गैंग तो नहीं है इसके। आप और इन अवैध शराबारों ने हलैना थाना प्रभारी पुरुषोत्तम लाल और खेली मोड़ चौक की प्रभारी सुरेंद्र सिंह को गाड़ी से टक्कर मारने का भी प्रयास किया, जो बाल बाल बच गए। जी विष्णु, ये बताएं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार धरपकड़ जारी है शराब तस्करों की, तो इस पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया जाए? ये रोक लगाने के लिए क्या है, जो भी अवैध शराब से लोग जुड़े हुए होते हैं, ये यानी जो वर्तमान में ठेका संचालक है उनसे मिले हुए होते हैं, जो हाईवे पर होटल ढाबा है वो भी इन लोगों से जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ स्थानीय लोग इसमें जुड़े होने के कारण पुलिस इनको सही समय पर नहीं पकड़ पाती है। अगर पुलिस होटल ढाबे और यानी अच्छी तरह से मुखबिरी करे तो यानी अवैध शराब को हम रोक सकते हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।